जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे समांतर श्रेणी के क्वेश्चन, जिसमें हल करने के लिए सूत्र का जो प्रयोग होता है TN बराबड़ा और फिर SN बराबड़ा। तो हम जानेंगे कि TN बराबड़ा सूत्र क्या होता है और उस पर क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है, और SN का सूत्र क्या होता है और उस पर क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चलिए देखिए, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, AP 10 7 4 .. -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, यानी कि आपको एक समांतर श्रेणी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें अंतिम पद से शुरू के यानी कि प्रथम पद की ओर आना है और उसमें 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसे हल किस प्रकार से करते हैं। देखिए हल जैसे ही करेंगे तो आपको जो समांतर श्रेणी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें पहले निर्देश दिया हुआ कि प्रथम पद, देखिए अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, तो सबसे पहले AP आप लिख लीजिए। देखिए AP आपका दिया हुआ है क्या, देखिए 10 7 4 .. और -62 दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में निर्देश दे दिया है कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर। तो देखिए यहाँ पे हम अंतिम पद से लिख लेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस में 62 फिर .. फिर कितना होगा 4 फिर 7 और फिर 10। इस प्रकार से 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले प्रथम पद यानी कि A प्राप्त करना होगा, तो प्रथम पद सबसे पहला पद को ही प्रथम पद कहते हैं, तो A बराबर माइनस में 62 यानी कि 62। और उसके बाद D निकालना होगा, तो D निकालने के लिए पहले बताएं दूसरे स्थान में से पहले स्थान को घटा देना, तो दूसरे स्थान क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, 7 और पहले स्थान पे क्या है यहाँ पे 4, यानी कि 7 में से 4 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो D के मान कितना हो गया 3। और यहाँ पे N के मान दिया हुआ है, N के मान कितना प्रश्न में दिया हुआ है 11, तो लिख लेंगे यहाँ 11। चलिए अब सूत्र के प्रयोग करके हल करते हैं। देखिए सूत्र होता है, यहाँ पे जो सूत्र हमें ज्ञात करने के लिए जो प्रयोग में लाना होगा वो TN बराबड़ा, यानी कि TN का जो सूत्र होता है A+N-1 × D। इस सूत्र को आप याद रखिएगा, जैसे ही आपको N का या TN का मान ज्ञात करने के लिए होगा तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए देखिए, N के जगह पर कितना लिखना 11, तो यहाँ 11 लिख देंगे, इक्वल टू A का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 62 यानी कि 62, प्लस N के मान कितना है 11 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है 3। चलिए T 11 इक्वल टू माइनस में 62 यानी कि 62 प्लस 11 में से एक घटेगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में जब 3 से गुना होगा तो 10 3 30, यानी देखिए यहाँ पे T 11 यानी कि 11वां पद जो हमें ज्ञात कर रहे हैं, तो 62 में से 30 को घटा दीजिए तो 2 में से 0 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का साइन होगा क्योंकि माइनस वाला संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः T 11 इक्वल टू माइनस में 32, यानी कि अंतिम पद से 11वां पद जो होगा -32 आंसर होगा, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम देखते हैं एक प्रश्न जो SN के सूत्र पर बनता है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो SN के सूत्र पर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन यह है कि AP 8 3 -2 .. के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। जैसे ही आपके क्वेश्चन में यानी कि AP के क्वेश्चन में अगर योग पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन का जो सूत्र प्रयोग करना है यानी कि SN बराबर सूत्र प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे यानी कि हल करेंगे तो सबसे पहले AP में जो दिए हुए मान इसे देख लीजिए और इसे प्राप्त कर लीजिए कि A का मान कितना दिया हुआ है। तो देखिए आपको प्रश्न में AP जो दिया हुआ है यानी कि 8
8, उसके बाद 3 माइनस 2 डॉट डॉट और 22वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से ए ज्ञात कर लीजिए, सबसे पहला पद को हम प्रथम पद यानी कि ए कहते हैं तो 8 है, और डी ज्ञात करने के लिए दूसरे स्थान में से पहले स्थान को घटा देना होता है यानी कि 3 में से माइनस कर देंगे कितना 8, तो कितना होगा, अब 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस में 5 बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 5, डी का मान कितना आ गया माइनस 5, और यहाँ पे एन का मान दिया हुआ है कितना 22। अब हमें एसएन का सूत्र यानी कि एसएन का सूत्र का प्रयोग करके हल करके दिखाना होगा, तो चलिए यहाँ देखते हैं सूत्र, सूत्र यानी कि एसएन बराबर सूत्र क्या होता है, तो एन बाई टू यानी कि एन बटा टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यानी कि एसएन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटे में टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। इस सूत्र को भी आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि जैसे ही आपको क्वेश्चन अगर एसएन पे पूछा जाएगा तो इस सूत्र का प्रयोग होगा, तभी जाकर के आप क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। तो चलिए हल करते हैं, एस और एन का मान कितना है 22, तो यहाँ पे 22 लिख देंगे इक्वल टू 22 बट्टे में 2। अब यहाँ से देखते हैं 2 यानी कि सूत्र के अकॉर्डिंग यानी कि सूत्र के अनुसार 2 है तो 2 लिख दिए, इन टू ए का मान कितना है 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, प्लस एन का मान कितना है तो 22 है तो यहाँ से 22 लिख देंगे, माइनस 1 इन टू डी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं कितना है माइनस 5, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 5। चलिए एस 22 इक्वल टू इसे काट दीजिए यानी कि डिवाइड लग रहा है काट दीजिए तो 11 यानी कि 11 मरापित कट जाएगा तो यहाँ 11 हो जाएगा, ठीक है, इन टू गुना कर दीजिए 8 गुना के 16 प्लस यानी कि छोटी कोष्ठ के अंदर क्या है 22 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 22 में से 1 को घटाएंगे तो 21 हो जाएगा और गुना कितना माइनस 5। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एस 22 इक्वल टू 11 इंटू 16 प्लस, अब देखिए 21 में गुना करना है माइनस 5 से, तो देखिए 1 में जब 5 से गुना होगा तो माइनस में यानी कि 1 में गुना होगा 5 से तो 5 हो जाएगा, और 2 में 5 से गुना होगा तो 5 गुना के 10, इसके यानी कि इस संख्या के पहले प्लस है और इस संख्या के पहले माइनस है तो प्लस में जब माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एस 22 इक्वल टू 11 इंटू यहाँ पे 16 है तो 16 लिख देंगे, यहाँ प्लस और माइनस तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा गुना होगा तो माइनस, और कितना होगा 105। अब देखिए एस 22 इक्वल टू 11, अब देखिए इसे गुना में चेंज कर देते हैं यानी कि बड़ी कोष्ठ को तोड़ देते हैं और यहाँ पे गुना लिख देते हैं क्योंकि इंटू है। अब 105 में से 16 को घटा दीजिए, 105 में से 16 को घटा दीजिए, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो एक दाही पैंचा ले लेंगे तो 15, और 15 में से 6 घट जाएगा तो क्या बचेगा 9, और बाकी के कितना यानी कि 9 में से 1 घटा तो 8 यानी कि कितना आ जाएगा 89, तो यहाँ लिख देंगे 89, और ये दोनों में क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो एस 22, अब गुना करना हमें 89 में 11 से, तो देखिए गुना कर लेते हैं 9 एकम 9 और 8 एकम 1 8, उसके बाद फिर 9 फिर 8 कितना हो जाएगा 9 9 8 17 के साथ हासिल के 1 बच जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कि जो आंसर आएगा कितना आएगा यहाँ पे, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि 105 में से 16 को माइनस किए हैं, 105 में से 16 को माइनस किए हैं तो यहाँ माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो माइनस में आएगा, तो जब हम 89 में 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 979 आएगा, यहाँ पे 979 लिख देंगे, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण इसके आगे माइनस लग जाएगा, यानी कि आप देखिए एस एन के सूत्र पर जो बना है आंसर कितना आएगा माइनस में 979, ठीक है। यानी क्वेश्चन आपका था कि एपी के 8, 3 और माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग क्या था, यानी कि ज्ञात करना था, यानी कि 22 पदों का योग कितना होगा माइनस 979। इस प्रकार से आप एसएन पे जो सूत्र यानी कि एसएन सूत्र को प्रयोग करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और टीएन का सूत्र इससे पहले हम बता दिए हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।